हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी पार्ट थ्री। अभी तक इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी बायोमास, बायोगैसेस एंड बायोगैस प्लांट। बायोमास नेमिंग से बायोमास मीन्स एक तरह से बायोलॉजिकली मास, कोई चीज़ हो ना बायोलॉजिकली, उसमें ये आपके एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, प्लांट्स हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें बायोमास, बायोलॉजिकली। बायोगैस सेम थिंग, देखिए नेमिंग सही है। तो बायोमास मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक मैटर कौन सा, कैसे ऑर्गेनिक मैटर, कौन से वाले, प्लांट्स, प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग, उनके जो ऑर्गेनिक मैटर। अब उसमें ऑर्गेनिक मैटर में क्या होंगे, जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स की लीव्स हो गई या उसकी स्टेम हो गई, जो भी प्लांट्स का हमारा वेस्ट हुआ एक तरह से, और इसमें आपके एनिमल्स का या आपका डग हो गया, काउ डग हो गया, या फिर आपके ह्यूमन के एक्सक्रीशन हो गया। अब प्लांट्स के वेस्ट में ये भी आ सकता है ना, ये जब कोई शुगर केन है उसका हम लोग जूस निकालते हैं, जूस निकालने के बाद जो वेस्ट बचा, ये सारी चीज़ें हो गई बायोमास में। तो इनका जो यूज़ हुआ, एक तरह से इनको जलाना, इसकी जो एनर्जी को यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड बायोमास, वो हमारा बायोमास में आया। तो अब एक को तो थोड़ा सा इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि हमें कहते हैं कि अल्टीमेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी तो सोलर एनर्जी है, तो बायोमास में कैसे आई? बायोमास में भी है भाई, बायोमास जो प्लांट्स हैं, आप देखा जाए प्लांट्स हैं ये। अब ये जो फूड बना रहे हैं कहाँ से बना रहे हैं फूड, यहाँ पे सन है, सन की एनर्जी लेते हैं, और जब प्रोसेस कौन था, फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। जो सोलर एनर्जी है वो एक तरह से केमिकल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी तो वो नॉर्मल सी बात, यदि हम प्लांट्स हैं, प्लांट्स को उसके जो वुड को हम लोग जला रहे हैं, या इसकी जो ये जो आपके लीव्स को हम लोग जला रहे हैं, ड्राई लीव्स को हम लोग जला रहे हैं, तो ये सब एक तरह से क्या हुआ है, तो सोलर एनर्जी का ही फॉर्म। तो प्लांट्स की एनर्जी को हमने यूज़ करा। दूसरा, जैसे ह्यूमन बींग है, इन्होंने प्लांट्स को खाया, खाने के बाद में उनका जो एक्सक्रीशन है वो भी एक तरह से हुआ, अल्टीमेट हुआ। या फिर खाने के बाद में हमारे में जो एनर्जी आई, मस्कुलर एनर्जी जो आई, उसको हमने कोई चीज़, जैसे कि बहुत सी जगह आपका मजदूर वगैरह होते हैं, उनका यूज़ करा जाता है, बड़े बड़े सामान यहाँ से वहाँ उठा कर ले जाने हैं मजदूर को, तो एक तरह तो उनमें एनर्जी कहाँ से, सोलर से एनर्जी आई। तो बायोमास का देखा जाए तो बहुत बड़ा वास्ता है। बायोमास में क्या हुआ कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग, प्लांट्स, इनसे रिलेटेड जो मास है, दैट इज कॉल्ड बायोमास। मीन्स एनी ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम विच वी कैन गेट एनर्जी ऑन अ रिन्यूएबल बेसिस। ये एक तरह रिन्यूएबल हमारा एनर्जी भी, बायोमास हमारी। हुआ क्या, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैंने इसका चार्ट, फ्लो चार्ट बना, केमिकल एनर्जी बाई द प्लांट टू द फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। बायोमास में यही चीज हमारे हैं, स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये एनर्जी होगी, उसको हमने यूज कर लिया। इसमें आपका क्रॉप्स रेसिड्यू आया। अब जैसे बड़ी क्रॉप्स होती है, सपोज राइस की क्रॉप होती है या फिर वीट की क्रॉप होती है, तो उसके उसमें से लीव उनमें से जो उनका बाद में हस्क बचता है वो भी हम उसको यूज करते हैं, जलाने में यूज करते हैं, तो वो बायोमास ही हो गया, प्लांट्स का वो रेसिड्यू हो गया, वुड हो गया, और आपका एनिमल, ये सब किस में आते हैं, ये सब बायोमास में। मैंने ये, तो यदि आपको सिर्फ इस पे लर्न करना है बायोमास रिलेटेड चीज़ें, आपको आई थिंक समझ में आ गए, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, पता होना चाहिए बायोमास क्या होता है, सपोर्ट ट्रू फॉल्स में है कि ये भी बायोमास में है कि नहीं, आप आराम से उसको आपको ईजिली उसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज ऑफ द यूजिंग एनिमल डंग फॉर मेकिंग बायोगैस, इससे पहले हम लोग बायोगैस के बारे में हम लोग, बायोगैस क्या हुआ कि इस बायोमास को जलाने से गैस नहीं हुई। बायोगैस का मतलब ये हुआ कि ये जो बायोमास है इसको हमने सड़ाया, उसको हमने उसके बाद में, आप देखे कोई चीज, देखे नॉर्मल, आप देखे घर में कोई फूड है यदि खराब हो जाता है, उसमें से उसको सपोज आप ढककर रख दीजिए, ढक्के रखा हुआ है एक इसमें बॉक्स में, कुछ भी खाना है, दाल वाल है, जब उसको खोलेंगे तो उससे बहुत गंदी सी स्मेल निकलती है, गैस होती है ना। तो हम क्या करते हैं, बायोगैस मीन्स क्या है कि एक बड़ा सा वो लेते हैं, इसके अंदर जो बायोमास है मेनली इसमें लिया जाता है, डग लिया जाता है,
काउडग है या फिर एक्सप्रेशन है, मेले जाते हैं, हालांकि काउडग का यूज होता है का, जो एनिमल्स है उनके डक को यूज करते हैं, साथ में उसमें क्या मिल गया, वाटर, उसको कहते हैं स्लरी। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, स्लरी वर्ड। स्लरी क्या होता है, वॉट इज स्लरी, स्लरी मीन्स हुआ डक प्लस वाटर। इसको हमने यहाँ पे टैंक होता है मिक्सिंग टैंक, इसमें हमने मिलाया, मिलाने के बाद में यहाँ पर ये कुछ टाइम तक पड़ा रहेगा, इसके अंदर पड़ा 50 to 60 days तक, बिल्कुल इसमें जो आपके, और यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, विदाउट ऑक्सीजन की सप्लाई, तो इसमें जो जो आपके बैक्टीरिया है जो कि विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करें, डिकम्पोज कर देंगे। इसके जो कार्बन के जो कंपाउंड है, क्योंकि मालूम ही आपको कि ऑर्गेनिक मैटर मीन्स क्या हुआ, कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स कार्बन कंपाउंड, चाहे प्लांट्स का हो, एनिमल्स का, जो भी है, तो जो जो हमारा जो आपका ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बन के कंपाउंड को डिकम्पोज कर देंगे, डिकम्पोज करने के बाद में उससे क्या बने, गैस बनेगी, उसको कहते हैं मीथेन गैस, या गैस कलेक्ट हो जाएगी उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। और जो मीथेन गैस होती है इसमें मैक्सिमम क्या होगी, मीथेन गैस और बढ़ो, बट यहाँ पर मैक्सिमम जो बायोगैस में क्या होती है, मीथेन गैस मैक्सिमम होती है, करीब करीब ये समझ लिया आपका 75% करीब मीथेन गैस होती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हुई, कार्बन डाइऑक्साइड करीब आपका 20 to 23% होती है और गैसेस होती है। तो जो मीथेन गैस है आपको मालूम है, यू नो, उसको जो है बर्न करने में बहुत ज़्यादा वो अच्छी होती है, तो वो हम यूज़ कर लेंगे। तो बायोगैस क्या हुआ कि जो बायोलॉजिकली जो मास हमारा है, मेनली इसमें आपका एक्सक्रीशन हुआ, ये आपका डग हुआ, काउ डग वगैरह हुआ, तो उसको हम सड़ा करके और उसकी जो गैस है उसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोगैस। अब हम इसके डेफिनेशन कर लेते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका हाइड्रोजन मतलब H2S, आप देखो बहुत गंदी सी रॉटन सी स्मेल आती है, तो इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इसमें मैक्सिमम क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन कितना होता है, 75% मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 23% होती है बायोगैस में, हमेशा हम बोलते हैं जनरली वर्ड बोलते हैं, एग्जैक्ट नहीं कहते, बाकी दूसरी गैसेस होती हैं इसमें 2%, बाकी इनका मिक्सचर होता है बायोगैस का। इट इज ऑब्टेन बाय द एनोरबिक, क्या है देखिए आप, मिस कौन से होते हैं एनोरबिक बैक्टीरिया, कौन होते हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के विदाउट उसकी एब्सेंस में, फर्मेंटेशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक एनिमल द प्लांट वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ। फिर आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिके ऑफ बायोमास इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब देखिए मैंने यहाँ फ्लो चार्ट बनाया कि एनोरबिक जो बैक्टीरिया है क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे कार्बन कंपाउंड को, उसके बाद में क्या होगा, मीथेन गैस होगी, एक तो मीथेन गैस बनेगी, कुछ तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, मीथेन गैस बना देंगे, डायरेक्टली मीथेन गैस बन गई, और कुछ क्या करेंगे, सम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन टू शुगर ऑर्गेनिक एसिड, उसको हम क्या करते हैं, वो किसमें, कुछ कुछ जो बैक्टीरिया है, मैक्सिमम तो मीथेन गैस बनेगी, कुछ क्या करेंगे, मीथेन गैस नहीं होगी, उसको उसको जो है शुगर ऑर्गेनिक एसिड को उसको ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपलर फॉर्म बन जाएगा, उसके बाद में फर्दर फिर क्या होंगे, दूसरे जो बैक्टीरिया हैं, तो जब इसको, जब ये एक तरह से जो ये जो आपका ऑर्गेनिक एसिड वहाँ पर ब्रेक डाउन करा, तो वहाँ पर क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो फर्दर जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उसको डिकम्पोज करके क्या करेंगे, मीथेन गैस बना देते हैं, कि मैक्सिमम तो क्या होगा, कार्बन कंपाउंड क्या होंगे, वेस्ट निकल गया और क्या हो गया, वहां पे मीथेन गैस बनी, जो बाकी कुछ बचा वो फर्दर बाद में डिकम्पोज होकर फिर दूसरे बैक्टीरिया करें, मतलब कहने का मतलब ये है कि सारा के सारा एकदम से मीथेन गैस नहीं बनेगी, कुछ ऐसा बच जाते हैं जो कि उसको सिंपलर फॉर्म में करते हैं, बाकी फिर बैक्टीरिया मिलकर उसको, ये मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया यहाँ पर। ओके, अब इसी से आता है कि बायोगैस प्लांट, काफी हद तक तो समझ में आई कि बायोगैस प्लांट क्या है, क्या कर रहे हैं हम, एक उसमें पहले उसको यहाँ पे आपका काउडग आ गया, काउडग प्लस वाटर स्लरी कहेंगे उसको, उसको यहाँ पर एक उसमें मिक्सिंग टैंक है वहां मिक्स करा, मिक्स करने के बाद में देखिए यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये देखिए यहाँ से ये स्लरी है और ये मिक्सिंग टैंक है, और इसको आपका इनलेट चैम्बर भी कहते हैं, इनलेट INLET इनलेट चैम्बर कहते हैं, कि यहाँ से हम डालेंगे, यहाँ से करने के बाद में यहाँ 50 to 60 days तक यहाँ पड़ा रहेगा, इसको हम कहते हैं आपका डाइजेस्टर, क्या कहते हैं, डाइजेस्टर, या और ये कहाँ होता है, अंडरग्राउंड होता है,
मतलब जो है जमीन के अंदर ये खोद करके यहाँ पर ऊपर डलता है, जमीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड टैंक होता है यहाँ पर ये, उसको हम डाइजेस्टर टैंक कहते हैं, ये नेमिंग है डाइजेस्टर टैंक, डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। मेन आपको इसमें वर्ड याद करने, जैसे ये आपका स्लरी वर्ड याद करना है, इनलेट चैम्बर करना है कि यहाँ से ये इनलेट चैम्बर है और ये है अंडरग्राउंड जो टैंक होता है उसे क्या कहते हैं, डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। यहाँ पे 50 to 60 डेज पड़ा रहेगा, यहाँ पर जो आपके बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसको डिकम्पोज कर देंगे कार्बन कंपाउंड को, और क्या होगी मीथेन गैस यहाँ पे हो जाएगी, उसको टाइम टू टाइम यहाँ पर मीथेन गैस को, यहाँ को गैस को यहाँ पर हम सप्लाई लेते रहते हैंगे। एक तो इसलिए कि जिससे गैस का बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, तो गैस को यहाँ यूज़ करते रहते हैंगे। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि जो बाद में वेस्ट जो बच जाता है गैस निकल के, फिर बाद में जो सड़ा हुआ जो हुआ है उसको हम मैन्यूअर के रूप में यूज़ कर देते हैं। ये है, इसको हम कहते हैं आपका आउटलेट चैम्बर, ये है इनलेट चैम्बर, आउटलेट चैम्बर में यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल जाता है जो कि फर्दर जा करके इसमें मैन्यूअर के रूप में यूज हो गया। तो क्या करा हमने कि जो हमारा इसमें हम काउडक है, इसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीशन भी डाल सकते हैं, या फिर जैसे सपोज जो आपके प्लांट्स की लीव्स हैं उन्हें भी डाल देते हैं, वो सब इसमें यहाँ पर सब की सब यहाँ पर अंदर सड़े का समझ लो एक तरह से, और यहाँ पे गैस बन जाती है, उसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और जब पाइप के थ्रू जो है घरों में पहुँच जाती है। ये जो आपके विलेज वगैरह है वहाँ तक मोस्टली जगह पर ये जो है ये वाला प्लांट होता है, बायोगैस प्लांट होता है, जहाँ पर इसी से यूज़ करते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ करते हैंगे, और यहाँ पर घरों में जितनी हमारी गैसेज है इसके थ्रू होती है। तो एक तरह देखा जाए इसके एडवांटेज भी हैं। इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज ये है कि यदि देखिए जब हम इसका यूज़ कर रहे हैं काउडक का बायोगैस बनाने में यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि सारा हमने देखे यूज़ कर लिया, तो एक तो इससे आपका एनवायरमेंटल जो है वो देख कितना क्लीन हुआ कि जितना जो हमने सब इसमें यहाँ पे यूज़ कर लिया, और जो ये जो गैस को हमने यूज़ कर लिया, और जो वेस्ट बचा वो मैन्यूअर के रूप में हो गया, क्योंकि ये जो मैन्यूअर होता है, ये जो वेस्ट, ये जो बचा है, इसको हम बोलते हैं स्पेंट स्लरी। देखिए यहाँ स्लरी है, इसको कहेंगे स्पेंट स्लरी, जो गैस बनने के बाद में जो बचा उसको स्पेंट स्लरी कहते हैं। मैंने बोला ना वर्ड याद करने आपको बहुत ज़रूरी है, ये इन्हीं से ये आपको, क्योंकि मेनली यहीं पर ही आपको प्रॉब्लम बच्चों को इसी में होती है। तो स्पेंट जो स्लरी है ये जो है ये यहाँ पे कलेक्ट हो, और इसमें जो है कार्बन और नाइट्रोजन, इसमें बहुत ज़्यादा ये अच्छा होता है मैन्यूअर के लिए। इसमें नाइट्रोजन, आपको मालूम नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा आएगा ग्रीन के लिए इसमें। तो इससे क्या हो, मैंने बताया कि इससे आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हुआ, भाई जितना सारा वेस्ट इसमें आ गया उसको गैस में, बाकी हमने वहाँ पर यूज़ कर लिया, तो नॉर्मल से मतलब पोल्यूशन हुआ। वरना क्या करते हैं, देखिए इसमें यहाँ लिपि रखा है एडवांटेज ऑफ द यूजिंग एनिमल डंग फॉर मेकिंग बायोगैस, क्या होता है प्रिवेंट बोथ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। वरना क्या करेंगे लोग, अपना वाटर में बहा देते हैं, एयर में पड़ा रहेगा तो एयर पोल्यूशन होता है। तो एक तो प्रिवेंट क्या करेगा, एयर को और वाटर पोल्यूशन को करता है भाई। एयर लोग क्या करते हैं, बहुत सारा जब बायोमास इकट्ठा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, जला देते हैं उसको। जलाने से कितना ज़्यादा यह पोल्यूशन होता है, या कुछ क्या करते हैं वाटर में कुछ वो कर देते हैं, तो कितना वाटर पोल्यूशन हुआ। तो उन सबसे हमारा वो सबको प्रिवेंट करता है कि इसका हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। दूसरा क्या है, रॉ मटेरियल जो होता है इसका बहुत चीप होता है, रॉ मटेरियल बहुत चीप होता है और ईजिली अवेलेबल होता है। तो एक तरह से इसका जो प्रोडक्शन हुआ वो बहुत चीप हुआ और ईजिली अवेलेबल। तो जो रॉ मटेरियल क्या होता है, चीप होता है और इजीली अवेलेबल होता है, तो प्रोडक्शन क्या हुआ, चीप होता है। अलोंग विद हम जो आपका एनिमल डक के साथ में ह्यूमन एक्सक्रीशन, ह्यूमन की भी जो हमारा जो, और क्या साथ में आपका प्लांट वेस्ट, मैंने बताया प्लांट वेस्ट हो गया, पेपर स्क्रब हो गया, वो सब भी उसमें डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो क्या करता है प्रिवेंट, ये PRE प्रिवेंट है, ये मैंने पूरा ही लिखा प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये क्या करता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को बचाया। वही वाली बात हुई यहाँ पर कि जब ये सब चीज़ों को यहाँ यूज़ कर लिया गया तो नॉर्मल सी बात एनवायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट करता है। तो ये एडवांटेज होते हैं हम बायोमास से बायोगैस बनाने के, कि हमने वेस्ट को भी हमने क्या करा, यूज़ कर लिया, सब वेस्ट इसमें हुआ सब सड़ के, क्योंकि ये सब चीज़ें एक तरह देखा जाए ये सारा कुछ आपका ऑर्गेनिक मैटर, जो पेपर भी किससे बना, प्लांट से बनता है, तो पेपर भी तो ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट वेस्ट तो है ही ऑर्गेनिक, ह्यूमन एक्सक्रीशन भी क्या वो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है, उन सबको यूज़ कर लेते हैं। अब आते हैं यूजेस ऑफ बायोगैस। ये मैंने देखिए यहाँ भी लिख रखा है, फोर्थ है रेसिड्यूज जो लेफ्ट बचता है, ये जो ये हुआ रेसिड्यू, इसको हम बोलते हैं स्पेंट स्लरी, जो मैन्यूअर में यूज़ करते हैं
वो क्या है, मैन्यूअर के रूप में यूज करते हैं, रिच नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, साथ मैंने साथ वो नहीं लिखा आपका, ये है इसमें आपका नाइट्रोजन होता है और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर में होता है। तो हालांकि मैंने हालांकि यदि यदि आपको नीचे नाइट्रोजन भी सफिशियंट है। फिर उसके बाद आता है यूजेस ऑफ बायोगैस। यूजे बायोगैस क्या है, कुकिंग फूड में यूज करते हैं, दूसरा क्या करते हैं इंजन रन में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, थर्ड है स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट भी जलाने में, स्ट्रीट लाइट भी इससे चलती। तो तीन इसके मेन यूजेस याद कर लीजिए, कुकिंग फूड हो गया, और दूसरा सेकंड है इंजन जो मोटर वगैरह होते हैं उनके यूज करने में होता है, और स्ट्रीट लाइट में यूज होता है। फार्मर्स तो इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जितने फार्मर्स हैं गांव वगैरह हैं वहां पर बायोगैस का ही यूज करते हैं, वहां पर बड़े बड़े बायोगैस प्लांट, और बहुत टाइम से ये यूज करे, आज के बाद काफी टाइम से ये चीजें यूज करी जा रही है। फिर उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ बायोगैस। क्या एडवांटेज है, एक तो ये क्या गुड फ्यूल है, 75% इसमें मीथेन होता है, और दूसरा क्या नॉन स्मोक इसमें नहीं होती, नो स्मोक होता है, और इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। मीथेन है तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मीथेन है तो इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सप्लाई डायरेक्टली पाइप से डायरेक्टली सप्लाई हो गया, तो इसको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्टली सप्लाई से ये पाइप है यहाँ से डायरेक्टली यूज हो जाता है। ओके राइट, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक तो आपका थर्मल ये पावर प्लांट बताऊंगी, और मैं आपको हाइड्रो पावर प्लांट बताऊंगी। अब जितने पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, एडवांटेज डिसएडवांटेज में बताऊंगी।